लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि लेजर्स अकाउंट से ट्रायल बैलेंसेस कैसे बनाने हैं, आपने ट्रायल बैलेंस कैसे प्रिपेयर करना है। मैंने असाइनमेंट भी दी थी, आप लोगों ने असाइनमेंट भी कंप्लीट की, एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर कर लिया था क्लास में। तो जिन लोगों ने असाइनमेंट दी है उनमें से काफ़ी लोगों का वो क्वेश्चन बिल्कुल ठीक था, ठीक है। तो अब हम आज जो है वो स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक, उससे आगे। हमजा आप मुझे व्हाट्सएप कर दें अपना जो ट्रायल बैलेंस है, मैं आपको वो करवा देता हूँ सही, ठीक है। वो उसमें आपने कोई फिगर्स गलत लिखे होने बस, बाकी अगर जर्नल एंट्रीज आपकी सही हैं, लेजर सही बनाए हुए हैं, तो कोई डिफरेंस नहीं होगा ट्रायल बैलेंस में, ठीक है। आप मुझे सेंड कर दें, मैं करवा दूंगा आपको सही। अच्छा देखें, आज हमने पढ़ना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ सोल ट्रेडर। नॉर्मली जो सोल ट्रेडर होता है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन कौन सी प्रिपेयर करता है। हमने इससे पहले हम कुछ चीजें रिवाइज कर लेते हैं कि जैसे देखें, हमने एक चीज पढ़ी थी दैट वाज अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल जो हमने पढ़ा था, अकाउंटिंग साइकिल में हमने पढ़ा था कि अकाउंटिंग साइकिल जो होता है वो हमारे पास होता है कि प्रोसेस को शो करता है कि अकाउंटिंग किस तरह प्रोसेस करती है, कैसे चलती है, ठीक है। उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था कि जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है ट्रांजैक्शंस का, कि आप ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है। ट्रांजैक्शन के बाद आपके पास जो नेक्स्ट चीज होती है वो होती है कि आपके पास ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं, हम जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करते हैं, वो भी हमने कर ली। जर्नल के बाद लेजर्स आते थे, लेजर्स भी हमने कंप्लीट कर लिए, ठीक है। जिन्हें टी अकाउंट्स भी कहते हैं। लेजर्स के बाद हमारे पास आते हैं ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस जो था, ट्रायल बैलेंस भी हमने लास्ट वीक में कर लिया। अब हम आते हैं कि ट्रायल बैलेंस से आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनानी है आपने। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होंगी ना, वो जब आप प्रिपेयर करेंगे, ये अब हमारे पास ये टॉपिक है। अब देखें, जो उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद ये साइकिल दोबारा चलता रहता है। हर जो भी ट्रांजैक्शन होगी उसकी जर्नल एंट्री प्रिपेयर होगी, जर्नल एंट्री से उसकी पोस्टिंग होगी लेजर्स में, लेजर्स से ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, और ये सर्कल साइकिल चलता रहता है। अब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं ना सोल ट्रेडर की, उनमें दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं। नंबर वन इज द इनकम स्टेटमेंट, एंड नंबर टू इज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन। जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन है, इसको जो पुराना नेम है दैट इज बैलेंस शीट, दैट इज कॉल्ड बैलेंस शीट। अब देखें, ये दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने प्रिपेयर करनी होती हैं सोल ट्रेडर के लिए। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप जब प्रिपेयर करते हैं, तो ये दोनों क्यों प्रिपेयर करती की जाती हैं, ये क्या चीज शो करती हैं। देखें, ट्रायल बैलेंस जो होता है ना, ट्रायल बैलेंस, इसमें हमने पढ़ा था कि दिस इज अ लिस्ट ऑफ बैलेंसेस, ठीक है। ये एक लिस्ट थी बैलेंसेस की, कौन कौन से बैलेंसेस हमने इसमें देखे थे कि हमारे पास जो एसेट्स हैं उनके बैलेंसेस हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पर हमने देखा था कि लाइबिलिटीज हैं, लाइबिलिटीज के जो हमने अकाउंट्स बनाए हैं, टी अकाउंट्स बनाए थे लेजर्स, उनके बैलेंसेस आ गए। थर्ड नंबर पे इसमें एक्सपेंसेस थे, एक्सपेंसेस के अकाउंट थे, उनके बैलेंसेस थे। फिर हमारे पास यहाँ पर फोर्थ नंबर पे इनकम्स थी, इनकम के बैलेंसेस, इनकम के टी अकाउंट्स हमने बनाए और उनको हमने यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया, ठीक है।
उसके बाद जो फिफ्थ नंबर पे था वो था कैपिटल, कैपिटल का बैलेंस था। और एक और चीज थी यहाँ पर कैपिटल, और आप उसे कह सकते हैं कि ड्राइंग्स भी यहाँ पर ही हैं, आम इकट्ठे ही यहाँ पर हमने उसको बनाया था। ड्राइंग्स का अकाउंट ऑल दो सेपरेट बनता है, लेकिन दैट इज रिलेटेड टू कैपिटल, ठीक है। तो हम इसलिए मैंने उसको स्लैश करके लिख दी है कि हमने ये पांच चीजें ही पढ़ी हैं, ठीक है। अब देखें इनको जब हम यहाँ पर लेके जाएंगे आगे ट्रायल बैलेंस से, ये फिगर्स हम आगे मूव करेंगे, जो वैल्यूज ट्रायल बैलेंस में होती हैं उनको हम इनकम स्टेटमेंट में लेके जाएंगे, या हम उनको लेके जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन में, जिसे हम बैलेंस शीट भी कहते हैं। अब देखें अब कौन सी चीज कहाँ जाएगी, ये आप देख लें जरा। जो हमारे पास आगे एसेट्स होते हैं उनको हम कहाँ कहाँ लेके जाते हैं, लाइबिलिटीज को कहाँ कहाँ लेके जाते हैं। देखें जो हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास आती है, वो हमारे पास ये शो करती है, इट शोज द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, इट शोज परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, आपका जो अकाउंटिंग पीरियड होता है उसके लिए ये उसकी परफॉर्मेंस शो करती है। परफॉर्मेंस में क्या शो होते हैं, कि परफॉर्मेंस में ये चीज शो होती है कि वेदर किसी बिजनेस ने प्रॉफिट जनरेट किए हैं या उसको लॉस हुए हैं, वो आपने बताना। तो आप प्रॉफिट एंड लॉस इसमें कैलकुलेट करते हैं। तो आपके पास जो इनकम और जो एक्सपेंसेस होते हैं वो यहां पर रिपोर्ट होते हैं, इनकम एंड एक्सपेंसेस बैलेंसेस आर ट्रांसफर्ड हेयर, और यू कैन से रिपोर्टेड हेयर इन इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट में क्या करना है आपने, ये परफॉर्मेंस शो करेगी ऑर्गेनाइजेशन की, कि एक बिजनेस ने एक साल के दौरान, या अगर 6 महीने का पीरियड है तो नॉर्मल 6 महीने का, तो 6 मंथ में ऑर्गेनाइजेशन ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है, कितना उसको लॉस हुआ है। तो प्रॉफिट और लॉस जो होता है बेसिकली वो डिफरेंस होता है इनकम और एक्सपेंसेस का, ठीक है। इसलिए इनकम रिपोर्ट की जाती है और एक्सपेंसेस जो भी बैलेंसेस होंगे वो हम इनकम स्टेटमेंट में यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे ट्रायल बैलेंस से। जो हमारे पास होती है ना सेकेंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन। जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन है इसको आपने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ बुक्स हैं उसमें बैलेंस शीट का नाम भी दिया जाता है, ठीक है। लेकिन आप यूज करेंगे, बेटर है कि आप ये वर्ड यूज करें, ये स्टैंडर्ड में गिवन नेम है इसका, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन। अब ये क्या शो करती है, इट शोज फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ अ बिजनेस एट अ स्पेसिफिक डेट। ये जो स्पेसिफिक डेट का वर्ड है ये मैंने यूज किया कि एक स्पेशल डेट होगी, जैसे ना देखें कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो हो सकता है वो 31 दिसंबर को अपना अकाउंटिंग ईयर क्लोज करती हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं ऐसी हैं
जो अपना जो है अकाउंटिंग ईयर वो जून के एंड पे क्लोज कर देती हैं, कुछ मार्च के एंड पे क्लोज कर देती हैं, तो हम इसे अकाउंटिंग पीरियड एंड भी कहेंगे, अकाउंटिंग पीरियड एंड, ठीक है। ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन शो करती है। अब यहां देखें, फाइनेंशियल पोजीशन से क्या मुराद है? फाइनेंशियल पोजीशन, फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूं ना कि आपकी आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, तो फाइनेंशियल पोजीशन से मुराद होगी कि आपके पास कितने एसेट्स हैं, कौन कौन से एसेट्स हैं, करंट एसेट्स हैं, नॉन करंट एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज हैं तो लाइबिलिटीज कौन सी हैं, करंट है, नॉन करंट है, और कैपिटल कितना पड़ा हुआ है, ठीक है। तो जो फाइनेंशियल पोजीशन होगी उसमें ये शो किया जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशन के पास कितने एसेट्स हैं को एट द क्लोजिंग डेट, कितनी लाइबिलिटीज हैं, ठीक है, और कितना कैपिटल है, ये फाइनेंशियल पोजीशन को शो करेगा। यानी कि जो हमने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी थी वही एक हम अब स्टेटमेंट फॉर्म में बता देंगे। यहां पर अकाउंटिंग इक्वेशन सिंपल हमने पढ़ी थी, एसेट्स आर इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। यहां पर एसेट्स की डिटेल देंगे कि हमारे पास एसेट्स कौन से हैं। हमारे पास एसेट जो हो सकते हैं वो आपके करंट प्लस नॉन करंट दोनों होंगे, ठीक है, दोनों एसेट्स यहाँ पर रिपोर्ट करेंगे। प्लस लाइबिलिटीज हैं तो लाइबिलिटीज में भी करंट नॉन करंट ये दोनों रिपोर्ट करेंगे, और प्लस कैपिटल आप रिपोर्ट करेंगे, कैपिटल आपके स्टार्ट में कितना था एंड पे कितना है, ठीक है। अब यहां देखें, ये है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कि आपने ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करना है एक स्पेसिफिक डेट पे, ठीक है। अच्छा, अली मोहम्मद आप अपनी रिज्वाइन कर लें दोबारा तो आपको शो हो जाएगी स्क्रीन, आपकी वहां पर थोड़ा सा शायद प्रॉब्लम होगा नेट में, कनेक्टिविटी में, तो दोबारा आप ज्वाइन कर लें, रीज्वाइन करें सेशन, ठीक है। अच्छा, यहां तक क्लियर है? आप देखें जो परफॉर्मेंस होती है ना, परफॉर्मेंस आपको बताती है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई प्रॉफिट जनरेट किया या लॉस है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, कोई प्रॉफिट किया है, अर्न किया है, या उसको लॉस हुआ है एट द एंड, दिस इज कॉल्ड परफॉर्मेंस, ठीक है। और जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो क्या शो करती है कि आपके पास एक स्पेसिफिक डेट पे कितने एसेट्स थे, कितनी लाइबिलिटीज थी, कितना कैपिटल था, ठीक है, लास्ट ईयर के क्लोजिंग डेट पे। जबकि परफॉर्मेंस शो करती है पूरे साल में आपने कितनी इनकम जनरेट की, वो टोटल बताएं, वो हमने लेजर अकाउंट पहले ही बना लिए हैं, जैसे उसके बाद कितने एक्सपेंसेस थे वो भी सारे हमने बना लिए, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ तक ये दो स्टेटमेंट्स आ गई। अच्छा, अब इनका जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट हम बना लेते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कि अब आपने इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट कैसे बनाना है, ठीक है। जो फॉर्मेट है उसमें देखें, आपने सबसे पहले ऊपर बिजनेस का नेम लिखना होता है, देन यू राइट डाउन दैट दिस इज इनकम स्टेटमेंट। आप कौन सी स्टेटमेंट बना रहे हैं, इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे हैं, ठीक है। फिर आपको इसको लिखते हैं फॉर द पीरियड एंडेड कि आप किस पीरियड के लिए, फॉर द पीरियड आप किस पीरियड के लिए बना रहे हैं, एंडेड जो एंड हो रहा है कब, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं 31 दिसंबर 2018 को क्लोज हो रहा है, आपने ईयर मेंशन करना है। देखें क्या क्या चीजें मेंशन करनी है, सबसे पहले यू विल राइट डाउन द नेम ऑफ द स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, फॉर द पीरियड आप कितने पीरियड के लिए बना रहे हैं, किस पीरियड के लिए बना रहे हैं, विच इज एंडेड एट 31 दिसंबर 2018, ठीक है, ये पीरियड कब एंड हो रहा है, 31 दिसंबर 2018 को। अगर ये पीरियड एंड हो रहा है इस डेट को,
31 दिसंबर को, तो ये स्टार्ट कब हुआ होगा? ये स्टार्ट हुआ होगा 1 जनवरी 2018 को। ये आपने लिखना नहीं होता वहां पर, लेकिन ये अंडरस्टूड बात होती है कि एक साल पीछे आपने चले जाना है कि आपका ये पीरियड कब स्टार्ट हुआ है। एक साल का पीरियड है, काउंटिंग पीरियड 31 दिसंबर को एंड हो रहा है, तो डेफिनेटली 1 जनवरी को स्टार्ट हुआ होगा। इसी तरह अगर 31 दिसंबर 2017 को स्टार्ट होगा, एंड होगा, तो वो 1 जनवरी 2017 को स्टार्ट हुआ होगा। ये आपने माइंड में रखना है। अब यहां पर देखें, आपने क्या करने हैं, यू विल प्रिपेयर टू कॉलम्स, ठीक है। अब जो दो कॉलम्स बनाने हैं, इसमें सबसे पहले यू विल रिपोर्ट द नेट सेल्स फिगर, ठीक है। जो नेट सेल्स होगी, आपने इसके लिए ये कर लेना है, आपने सेल्स लेस सेल्स रिटर्न्स कर लेनी है, ठीक है। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पर सेल्स रिटर्न सेपरेट लिखने की बजाय आप उनको ऊपर भी लिख सकते हैं इकट्ठा ब्रैकेट में, ठीक है। अब यहाँ देखें, आपने जो फिगर रिपोर्ट करना है वो यहाँ पर करना है कि आपके पास सेल्स कितनी आई है। यहाँ वैल्यू लिखेंगे, सेल्स रिटर्न उसमें से माइनस हो जाएंगी, आप इंटरनल कॉलम में रिपोर्ट करेंगे, और जो आंसर आएगा आप उसे शिफ्ट करेंगे एक्सटर्नल कॉलम के अंदर, ठीक हो गया। तो ये आपके पास नेट सेल्स आ जाएंगी कि ये वाला जो फिगर होगा, दिस विल शो दैट देयर इज नेट सेल्स। नेट सेल्स मींस सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। अच्छा, उसके बाद आप क्या करेंगे, आपने उसके बाद इसमें से माइनस करना है एक फिगर, लेस यू विल डिडक्ट कॉस्ट ऑफ सेल्स। आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो उसमें से माइनस करनी है। कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब ये होता है कि जो ऊपर आपने गुड्स सेल कर दी है, फॉर एग्जाम्पल आपने 10,000 यूनिट सेल किए हैं, तो 10,000 जो यूनिट सेल किए हैं उनकी कॉस्ट कितनी है, ठीक है। उनकी कॉस्ट कितनी है, डेफिनेटली जो ऊपर सेल्स रेवेन्यू होंगे उनमें तो प्रॉफिट्स ऐड होते हैं ना। ये तो नहीं होता कि आपने चीज 100 की ली और 100 की सेल कर दी। आपने 100 की ली है तो फॉर एग्जाम्पल आप उसको 200, 300, 400 में सेल कर रहे हैं, तो अब आप क्या करेंगे, उसमें से जो चीजें आपने सेल कर दी हैं उनकी कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस कर देंगे। जो कॉस्ट ऑफ सेल्स जब आप माइनस करते हैं, तो उसको माइनस करने के लिए आप क्या करते हैं, इसका प्रोसेस क्या होता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे प्रिपेयर होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कंसीडर करते हैं कि आपके पास पीरियड के स्टार्ट चार्ट में ओपनिंग स्टॉक कितना है। अब ये देखें, ये जो ओपनिंग स्टॉक होगा, हमने जो पीरियड रिव्यू किया हुआ है एंडेड, वो हमने किया है 31 दिसंबर 2018, तो स्टार्ट हुआ होगा 1 जनवरी 2018। तो आप देखेंगे कि 1 जनवरी 2018 को ओपनिंग स्टॉक कितना था, वो ओपनिंग स्टॉक इंटरनल कॉलम में आप रिपोर्ट कर देंगे, ठीक है। फिर आप इसमें एड अप कर देंगे परचेजेस के ड्यूरिंग द ईयर, ये तो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ था, प्लस हमने कितनी परचेजेस की हैं वो उसमें ऐड हो जाएंगी, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस। अब जो परचेजेस होती हैं उसमें क्या होता है, आप जब आपके पास फॉर एग्जाम्पल 10,000 की गुड्स पड़ी हुई थी, आपने 50,000 की और परचेज कर ली, तो ये आपके पास टोटल अवेलेबल गुड्स जो थी जो आप सेल कर सकते थे वो आपके पास हो गई कितनी, 60,000 की। इसी तरह आप क्या करेंगे, प्लस आप इसमें कर देंगे कैरिज इनवर्ड्स, कैरिज इनवर्ड्स जो है ना वो क्या चीज है, ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है। किस चीज की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ परचेजेस, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ परचेजेस। आपने गुड्स परचेज की फॉर एग्जांपल कराची से, और आपने उनको लाहौर लेके आना है, तो जो गाड़ी का जितना आप रेंट वगैरह देंगे, जो फेयर देंगे, दैट विल बी कंसीडर एज कैरेज इनवर्ड, कि आपने गुड्स परचेज किए हैं उस पे आपने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे किया, वो ऐड हो जाती है इन्वेंट्री की कॉस्ट में, जो आप ये गुड्स परचेज किए उसकी कॉस्ट में शामिल हो जाती है। फॉर एग्जांपल आपने
10 लाख की गुड्स मंगवाई, आपने 50,000 के ट्रांसपोर्टेशन ट्रक वालों को या ट्रेन का कोई एक्सपेंस दिया यहाँ तक लाहौर चीज लाने के लिए, या आप इस्लामाबाद में या कोयटा में जहां पर भी हैं, तो उसमें दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो वो उस इन्वेंट्री की कॉस्ट में जो आपके लिए परचेज की है उसमें वो ऐड हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद आप क्या करते हैं, उसके बाद आपने ये करना है कि आपने कैरिज इनवर्ड्स के बाद आप इसमें से कोई चीज, हो सकता है कि आप रिटर्न भी करें, ठीक है, रिटर्न करते हैं अगर आप, ठीक है, तो रिटर्न आउटवर्ड्स जो होंगी, रिटर्न आउटवर्ड्स, जो रिटर्न आउटवर्ड्स होती हैं वो हमारे पास क्या चीजें हैं जो हमने परचेजेस की होती हैं, जब हम उनको रिटर्न करते हैं उनको, इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि वो हमारे लिए क्या है, परचेजेस रिटर्न से, ठीक है, परचेजेस रिटर्न, जो परचेज आपने की थी गुड्स आपकी अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन नहीं है वो आपने वापस कर दी, वो आपने इसमें से माइनस कर लेनी है, ठीक है। जब आप उसमें से माइनस कर लेंगे रिमेनिंग, आप एट द एंड ऑफ द पीरियड, ऐसा होता है सम नॉर्मली बिजनेसेस में ऐसा होता है कि साल के एंड पे ये नहीं होता कि सारे की सारी इन्वेंट्री जितनी परचेज की थी सेल कर दी, हो सकता है कि कुछ अनसोल्ड स्टॉक भी बच जाए, तो आप उसमें से क्या करते हैं, इसमें से माइनस क्लोजिंग स्टॉक कर देते हैं। ये जो क्लोजिंग स्टॉक आपके पास अनसोल्ड होगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये होगी रिपोर्टिंग पीरियड की लास्ट डेट पे, 31 दिसंबर, जैसे हमने अज्यूम किया 2018 है तो 31 दिसंबर 2018 को जो गुड्स आपकी सेल नहीं हुई उन्हें कहते हैं ये हमारे पास रिटर्न, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक है, इनको हम माइनस कर देंगे, ये हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड नहीं होती, ये क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल्स बनी नहीं है, तो जो हमारे पास फिगर आ जाता है यहाँ पर उसको कहते हैं हम नेगेटिव वैल्यू। मतलब अब आपने क्या करना है, ये जो आपके पास नेट सेल्स आई हैं इनमें से आपने इसको डिडक्ट कर देना है, इसमें से आपने क्या करना है, इसको डिडक्ट कर देना है। जब आप इसे डिडक्ट करेंगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो हो सकता है आपके पास ना प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, ठीक है, वो क्या हो सकता है, नेट प्रॉफिट भी हो सकता है, प्रॉफिट और नेट लॉस। अब देखें अगर सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस, ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस, जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा वो कब होगा, अगर आपके पास ये पॉजिटिव वैल्यू आती है, अगर नेगेटिव वैल्यू आएगी तो ये आपके पास ग्रॉस लॉस हो जाएगा, ठीक हो गया। अब यहां पर क्या करेंगे हम, जो सेल्स के अलावा कुछ अदर इनकम्स भी हो सकती हैं हमारे पास, के सेल्स हमारे पास आती है, सेल्स हमारे पास तो मेन सोर्स ऑफ इनकम है, ये जो सेल्स होती हैं ये हमारे पास क्या है, दिस इज मेन सोर्स ऑफ इनकम, नो मेन सोर्स ऑफ इनकम, जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो आपके पास क्या है, सेल्स हैं। जो अदर सोर्सेज ऑफ इनकम हैं वो कौन से हो सकते हैं, उनको आप कहेंगे कि वो अदर इनकम्स हैं। फॉर एग्जाम्पल आप गुड्स की सेल्स परचेज करते थे लेकिन आपके पास एक्स्ट्रा पैसा था, वो एक्स्ट्रा पैसा आपने क्या किया, किसी को लोन पे दे दिया और वहां से आपने इंटरेस्ट ले लिया, दैट वुड बी अदर सोर्स ऑफ इनकम, बिकॉज योर मेन बिजनेस इज नॉट टू गिव द मनी टू अदर पीपल एंड जनरेट इंटरेस्ट ऑन दैट मनी, ठीक है, तो ये जैसे ये आपका बिजनेस नहीं है तो दैट वुड बी कंसिडर एज अदर सोर्स ऑफ इनकम। तो उसमें आप क्या करेंगे, आप इसमें एड अप कर देंगे अदर इनकम्स, अदर इनकम। अब यहां पर देखें जो अदर इनकम होगी उसमें एक तो ये है कि आपने इंटरेस्ट जनरेट किया, लेकिन आप अगर देखें तो जो बैंक्स हैं, बैंक्स का काम यही होता है कि उन्होंने लोन पे लोन प्रोवाइड करना और उस पे इंटरेस्ट जनरेट करना है, लोगों से इंटरेस्ट लेना है, तो वो उसका मेन सोर्स ऑफ इनकम होगा, उसको आप अदर इनकम में नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर एक बिजनेस है, एक पर्सन है, उसका काम है रेंटेड प्रॉपर्टी का,
ठीक है, कि उसने क्या किया, करता है कि वो बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करता है, कंस्ट्रक्ट करने के बाद वो आगे रेंट पे प्रोवाइड कर देता है, जैसे हॉस्टल्स वगैरह होते हैं, आप यूनिवर्सिटीज के करीब रहते होंगे, जो भी यूनिवर्सिटीज वगैरह हैं वहां पर आउटसाइडर्स होते हैं, तो नॉर्मली वहाँ हॉस्टल्स होते हैं, तो अब वो जो रेंट जनरेट करते हैं, वो जो रेंट लेते हैं, वो उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम होगा, वो सेल्स में रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप बिजनेस कर रहे हैं कोई और, आपका रिटेल का बिजनेस है, आप गुड्स परचेज करते हैं और सेल करते हैं, लेकिन आपने क्या किया, आपके पास एक बिल्डिंग थी वो खाली पड़ी थी, आपने किसी को रेंट पे दे दी, वहां से आने वाली इनकम, दैट इनकम विल बी कंसिडर एज अदर इनकम, ओके। इसी तरह आपके पास ये भी हो सकता है कि आप, आपका जो मेन काम है ना, वो ये है कि गुड्स की परचेज सेल करना, मतलब ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन आपके पास पैसा आ गया, कुछ प्रॉफिट्स आए, आपने वो प्रॉफिट्स लिए और आपने किसी और बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए। जब आप किसी और बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, तो वो बिजनेस जब प्रॉफिट डिवाइड करेगा, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जैसे कंपनीज होती हैं, तो कंपनी साल के एंड पे जो प्रॉफिट शेयर होल्डर्स होते हैं, जो ऑनर्स होते हैं, उनको क्या करती हैं, डिविडेंड देती हैं, तो वो भी अदर इनकम में आ जाएगा, ठीक है। दोज विल बी कंसिडर्ड अदर सोर्सेज ऑफ इनकम, तो अदर इनकम आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। अभी जब हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे, क्वेश्चन में जहां जहां पर अदर इनकम्स आती जाएंगी, मैं साथ साथ अब आपको गाइड करता रहूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, इसके अलावा आपके पास आ जाता है, आप अदर इनकम जब बनाएंगे, आपने 3 या 4 लाइंस छोड़ देनी है, तो जो भी अदर इनकम्स होंगी, अब आप उनको यहाँ पर रिपोर्ट करते जाएंगे और एट द एंड इनका टोटल आउटसाइड कॉलम में लेके चले जाएंगे। तो क्योंकि ये पॉजिटिव है, अदर इनकम्स होंगी, ये ऊपर वाली वैल्यू में ऐड हो जाएंगी, जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा, ठीक है, उसमें ऐड हो जाएंगी। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसमें से डिडक्ट करनी है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कौन कौन से एक्सपेंसेस आ जाएंगे वो मैं यहाँ आपको लिखवा रहा हूँ, वो देखें। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आपके एडमिन एक्सपेंसेस आ जाते हैं, ठीक है। आपके एडमिन एक्सपेंसेस जो होंगे वो कौन कौन से हो सकते हैं, देखें, आपके पास अगर कोई हेड ऑफिस है या सिंपल ऑफिस लिखा हुआ है, ऑफिस रेंट, ये एडमिनिस्ट्रेशन का कॉस्ट होती है कि हेड ऑफिस की कॉस्ट होगी, ठीक है। ऑफिस इंश्योरेंस, आपने ऑफिस की इंश्योरेंस करवाई है, वो भी आपके पास हेड ऑफिस की कॉस्ट हो जाएगी, वो भी आप उधर लिख लेंगे। आपके जो अकाउंटेंट्स हैं उनकी जो पे होगी सैलरी, वो भी वहां जाएगी। जो मैनेजर्स होते हैं, एडमिन मैनेजर सैलरीज, वो भी यहाँ आ जाएंगी। ये सारी चीजें इस तरह की जो हेड ऑफिस से रिलेटेड होती हैं, वो सारी की सारी एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस होते हैं, वो आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में रिपोर्ट करेंगे। सेकंड नंबर पे आपके पास आ जाते हैं मार्केटिंग एक्सपेंसेस, जो मार्केटिंग एक्सपेंसेस होते हैं उसमें देखें, मार्केटिंग में सबसे इफेक्टिव टूल जो हमारे पास यहाँ पर होता है वो है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट जो एक्सपेंस होंगे वो आप उनको रिपोर्ट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि आपने टीवी पे ऐड दिया, टीवी ऐड दिया आपने, आपने रेडियो पे पब्लिसिटी की अपनी, आपने कोई सोशल मीडिया यूज किया और उसकी आपको कोई स्पेशली आपने अपने लिए ले लिया था, उनकी पेमेंट की है, ठीक है। ये सारी की सारी जो कॉस्ट होती हैं, ये आपके पास कॉस्ट होती हैं, कौन सी, ये आपके पास एडवर्टीजमेंट कॉस्ट होती हैं। उसके बाद आपके पास न्यूज़पेपर में ऐड दे देते हैं आप, ठीक है, ठीक है। न्यूज़पेपर में ऐड जो दिया है
कोई आपने बिलबोर्ड्स लगवाए, आपने ब्रोशर्स बनवाए, कुछ भी जो जिससे आप अपनी प्रोडक्ट को एडवर्टीज कर सकें, लोगों को बता सकें कि ये हमारे पास प्रोडक्ट है। तो ये जो कॉस्ट होती है ये आपके हमारे पास है, ये भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है बिजनेस को ऑपरेट करने का। उसके बाद आपके पास ऑपरेटिंग जो एक्सपेंसेस होते हैं, इनमें नेक्स्ट जो आता है वो हमारे पास आता है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। आप डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट देखें, डिस्ट्रीब्यूशन में कॉस्ट में क्या क्या आ जाएंगे आपके पास, जैसे जो डिस्ट्रीब्यूशन व्हीकल हैं उनकी कॉस्ट, जैसे आपने रनिंग कॉस्ट हमने पढ़ी थी कि डिस्ट्रीब्यूशन व्हीकल की रनिंग कॉस्ट होती है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो व्हीकल यूज होती हैं उनके आप चेक करें, उनके लिए आप फ्यूल यूज करेंगे वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन व्हीकल कॉस्ट हो जाएगी, ठीक है, उसको रिपेयर वगैरह करवाएंगे वो भी इसमें आ जाएगी। इसके बाद आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूटर वेजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स, जो आप वेजेस देते हैं या जो सैलरीज आप देते हैं किनको, आप डिस्ट्रीब्यूटर्स जो आपकी कंपनी में लोग काम कर रहे हैं, आपके एम्प्लॉयज जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको आप जो वेजेस और सैलरीज देते हैं वो आपके क्या होते हैं, वो भी आपके पास यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होती है। अब यहाँ देखें डिस्ट्रीब्यूटर्स में ड्राइवर्स आ जाते हैं, उनके साथ जो हेल्पर्स होते हैं वो लोग आ जाते हैं, तो ये कॉस्ट इसमें आ जाती है, ठीक है। इसी तरह आपके पास जो कुछ सेलिंग एक्सपेंसेस भी आ जाते हैं थर्ड नंबर पे, सेलिंग एक्सपेंसेस। अब जो सेलिंग एक्सपेंसेस होते हैं आप उनमें क्या क्या होता है, जैसे जो सेल्स पर्सन सैलरीज हैं, प्लस आप उनको कमीशन दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप जो प्रमोशन वगैरह लगाते हैं, ठीक है, और जैसे आप देखेंगे ये रेड बुल वगैरह वाले हैं वो जाते हैं किसी डिफरेंट स्कूल में कॉलेजेस में जाते हैं, तो वो क्या करते हैं अपनी प्रोडक्ट जाके लोगों को सेल करते हैं, ठीक है, फ्री में देते हैं, फ्री सैंपलिंग करते हैं, तो वो भी किसके लिए है, वो भी एक मार्केटिंग का ही तरीका है, तो वो सेल करने के लिए, अपनी सेल्स इंक्रीज करने के लिए उनको यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये जो जितनी भी कॉस्ट होती हैं ये सारी की सारी आपकी कौन सी कॉस्ट हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इनको कहते हैं। तो ये जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं आप इनको यहाँ पर रिपोर्ट करेंगे इंटरनल कॉलम में, और फिर आप इनको क्या कर देंगे एक्सटर्नल कॉलम में ले जाएंगे, ठीक है। आपके पास जो प्रॉफिट आ जाएगा, आपने ग्रॉस प्रॉफिट में से ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसमें अदर इनकम ऐड कर देंगे और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे, तो आपके पास जो भी यहाँ पर प्रॉफिट आएगा या लॉस आ जाएगा वो हमारे पास आएगा फाइनेंस कॉस्ट से पहले, ठीक है। ये आपका आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसको आप प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस भी कहते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस। अब इसमें से आप क्या करते हैं, इसमें से एक अमाउंट और डिडक्ट करते हैं, वो कौन सी अमाउंट होती है, दैट इज कॉल्ड फाइनेंस कॉस्ट। जो फाइनेंस कॉस्ट है ना ये यूज होती है जो आपका इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन, जो आपने लोन लिए हो उस पर जो भी इंटरेस्ट आप पे करेंगे दैट विल बी कंसिडर एज फाइनेंस कॉस्ट, तो आप इसको भी इसमें से डिडक्ट कर लेंगे, तो रिमेनिंग आपके पास जो नेट प्रॉफिट बच जाएगा या नेट लॉस आ जाएगा, रिमेनिंग विल बी नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। अगर तो आपके पास ये है ना नेगेटिव वैल्यू तो इसका मतलब है दैट इज अ लॉस। अच्छा, ये है हमारे पास इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करने का,
फॉर्मेट है, ठीक है। आप देखें, जो हमने इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं उसके दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। उसके क्या होते हैं? टू पार्ट्स। अब टू पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? सेल से लेकर ग्रॉस प्रॉफिट तक जो हमारे पास एरिया होता है, सेल से लेकर ग्रॉस प्रॉफिट तक, दिस इज कॉल्ड ट्रेडिंग सेक्शन। ऑफ इनकम स्टेटमेंट, दिस इज कॉल्ड ट्रेडिंग सेक्शन ऑफ इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। जो एरिया हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट के बाद स्टार्ट होता है अदर इनकम से लेकर नेट प्रॉफिट तक, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन, प्रॉफिट आर लॉस सेक्शन ऑफ इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। ये फॉर्मेट है, इसकी स्नैपशॉट ले लें, ठीक है, ताकि आप लोग जो है ना इसको आगे हम जब क्वेश्चन करेंगे तो आप इसको ये कर सकें, अप्लाई कर सकें। आप उस इसके इसको फॉर्मेट पहले प्रिपेयर करेंगे, देन यू विल पुट द वैल्यूज, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। बहादुर शाह, थैंक यू। आप जो क्वेश्चन हैं आपके वो देख लें, यहाँ तक आपने जो क्वेश्चन पूछने हैं इसके इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मेट से, ठीक है, वो पूछ लें। मुस्कान, आपके जो नेट का प्रॉब्लम होगा थोड़ा, तो वो जरा उसको रीज्वाइन कर लें, वो ठीक हो जाएगा। यासर फैज, सुलेरिया, प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं, लेकिन आपने इनकम स्टेटमेंट कहने हैं, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट के ही दो पार्ट होते हैं। एक हमारे पास ट्रेडिंग सेक्शन होता है जो हम ग्रॉस प्रॉफिट तक निकालते हैं, जो मैंने आपको सेपरेट शो कर दिया है, और दूसरा आपका प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन होता है, ग्रॉस प्रॉफिट से नीचे और अदर इनकम से लेकर आपके पास नेट प्रॉफिट तक, ये आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन होता है, ठीक है। हाफिजा, हमने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन तो खैर की नहीं है, तो आप उसको अपनी स्क्रीन को एडजस्ट करें ना, जूम करें, वो ठीक हो जाएगी, क्योंकि मैंने इधर मेरा तो काफी ये शो हो रहा है सारा ही, देख लें। आप उसको जरा कर लें, जूम इन करें या जूम आउट करें, वो एडजस्ट हो जाएगी आपकी स्क्रीन। मोहम्मद अबू बकर, जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है ना, उसके लास्ट टू पॉइंट्स ये हैं कि आपके पास अगर रिटर्न्स आपने कर दी हैं, रिटर्न आउटवर्ड्स, तो वो तो आपके कॉस्ट में आएगी नहीं, क्योंकि वो तो आपने चीजें ही रिटर्न कर दी हैं। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में से जब आप कैलकुलेट करते हैं तो रिटर्न आउटवर्ड्स जो होती हैं, जो परचेजेस रिटर्न्स होती हैं, वो माइनस कर देते हैं। इसी तरह आप क्लोजिंग स्टॉक भी माइनस कर देते हैं, क्योंकि वो तो सेल ही नहीं हुआ तो वो कॉस्ट में नहीं आएगा, तो वो उसको आप वहां से माइनस कर देते हैं। मुस्कान, जो हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक पढ़ेंगे, यहाँ पर अभी तक हम वो टैक्स वगैरह नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ रहे, तो इसको आप प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी कह सकते हैं, लेकिन जो टर्म्स में सिखा रहा हूँ आप वो साथ साथ सीखें, ये चेंज होती जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता, जो जो हम आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। हाँ जी, ये प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होता है, लेकिन टैक्स अभी हम पढ़ेंगे नहीं यहाँ पर, टैक्स हम आगे जाके पढ़ेंगे, टैक्स की ट्रीटमेंट, ठीक है। तो आप प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट और उसमें से आपने इंटरेस्ट माइनस किया, दैट इज नोन एज अ फाइनेंस कॉस्ट, तो आपके पास नेट प्रॉफिट आएगा।
बहादुर शाह, अच्छा देखें कॉस्ट ऑफ सेल्स, वो कह रहे हैं रिपीट कर दें, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में देखें कि हम कॉस्ट ऑफ सेल्स जब कैलकुलेट करते हैं तो उसका मेथड ये होता है कि हम ओपनिंग स्टॉक जो साल के पिछले साल हमारे पास एंड पे पड़ा हुआ था लेकिन इस साल का हमारा ओपनिंग था उसको हम कंसीडर करते हैं, उसमें जो परचेज करते हैं मटेरियल वो एड अप कर लेते हैं, जो भी परचेज कर रहे हैं गुड्स जो भी कर रहे हैं, और जो उन परचेजेस को अपने अपनी के बिजनेस प्रीमिसेस तक लाने के लिए जो भी आपके एक्सपेंसेस होंगे ठीक है ट्रांसपोर्टेशन के, वो उसमें ऐड करते हैं, एंड दोज एक्सपेंसेस आर नोन एज कैरेज इनवर्ड्स, ठीक है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है। इसी तरह आपके पास जो उसमें से आप क्या करते हैं माइनस कर देते हैं रिटर्न आउटवर्ड्स, जो आपने परचेज की थी गुड्स आपकी अकॉर्डिंग टू योर स्पेसिफिकेशन नहीं थी तो आपने उनको क्या कर दिया रिटर्न कर दिया, तो आप उसको माइनस कर देते हैं, और फिर आप उसमें से माइनस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक को भी, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक भी आपका सेल नहीं हुआ तो वो कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट नहीं बनता। ग्रॉस प्रॉफिट, अवैस खान, ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस होता है वो डिफरेंस होता है आपके जो नेट सेल्स होती हैं ठीक है ऊपर जो सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न का जो आंसर आएगा जो हमने एक्सटर्नल कॉलम में लिखा हुआ है उसमें से आप जो कॉस्ट ऑफ सेल्स का आंसर आएगा वो माइनस कर देंगे ठीक है, तो आपके पास ये ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा या ग्रॉस लॉस आ जाएगा। अगर तो आपका सेल्स रेवेन्यू ज्यादा है नेट सेल्स ज्यादा है कॉस्ट ऑफ सेल्स तो प्रॉफिट आएगा, अगर आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स ज्यादा है और आपके सेल्स रेवेन्यू कम है तो ग्रॉस लॉस आ जाएगा। क्यू एस स्मार्ट जो भी है, अभी तो हमने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाई नहीं, आपको समझ कहाँ से आनी है, मैंने तो अभी इनकम स्टेटमेंट बता रहा हूँ, तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जब बताऊंगा तो फिर तब समझ आएगी ना। जन्नत सलीम, हमने वहां पर जो ट्रीटमेंट की थी ना परचेजेस को आपने टोटली सेपरेट शो करना है ठीक है, जैसे ये कॉस्ट ऑफ सेल्स में परचेजेस आएंगी उनको एक्सपेंसेस में नहीं लेके जाएंगे, एक्सपेंसेस में हम सिर्फ लेके जाएंगे जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस होंगे, जो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग और जो एडवर्टीजमेंट वगैरह की जितनी कॉस्ट आएगी वो हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में लेके जाएंगे, परचेजेस टोटली अपने ऊपर कॉस्ट ऑफ सेल्स में सेपरेट ट्रीट करनी है। अलीशा सादिक, मैंने आपको ऐड किया हुआ है आपका, आपको वहां पर ऐड है लेकिन आपने आपको जो ईमेल आई है मेरी गूगल क्लासरूम से वो आपने एक्सेप्ट नहीं की हुई, तो वो इनविटेशन आप ईमेल खोल के एक्सेप्ट करें तो फिर होगा, या दोबारा मुझे ईमेल कर दें, मैं पहले वाला डिलीट करता हूँ आपका वहां से कॉन्टेक्ट नंबर ईमेल, तो दोबारा आपको ऐड कर देता हूँ ताकि आपको न्यू इन्विटेशन आ जाए। उस्मान मोहम्मद खान, जब हम इसको अभी टाइपिंग में करेंगे आपको क्या होगा, जब टाइपिंग के लिए आपको पेपर आएगा तो उसमें इनकम स्टेटमेंट जो होगी आपने सेल्स आपने ये खुद बनानी है, वहां पर बहुत सारी एक लिस्ट खुल जाएगी, आप जब उस पर क्लिक करेंगे उसके नीचे सेल्स लेस रेट सेल्स रिटर्न कॉस्ट ऑफ सेल्स और ये सारी चीजें आपने उनमें से सेलेक्ट करनी होगी, यहाँ हम सेल्स लिखेंगे यहाँ सेल्स रिटर्न्स लिखेंगे, ये सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली करवा दूंगा ठीक है। अभी आप इसको समझें कि आप इसको बनाएंगे कैसे ठीक है, इनकम स्टेटमेंट आपने कैसे ड्रॉ करनी है, जब आप अकाउंट में उसमें आ जाएंगे इनका उसमें आना पड़ेगा कंप्यूटर पे, तो कंप्यूटर पे भी मैं आपको सिखा दूंगा कि आपने इसको कैसे फिगर्स पुट करने हैं ठीक है। इम्तियाज, जो सेल्स रिटर्न्स हैं ये हमारे पास, क्योंकि सेल्स जब आप करते हैं तो आप फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख की सेल्स कर दी है तो सेल्स आपने लिख दी लेकिन एक कस्टमर ने उसमें से 10,000 की गुड्स वापस कर दी, तो आपकी जो सेल्स नेट कितनी हो गई, वो 10,000 तो आपकी सेल्स अब रही नहीं क्योंकि वो तो वापस आ गई, तो इसलिए हम सेल्स में से सेल्स रिटर्न्स माइनस कर लेते हैं कि जो कस्टमर ने हमें गुड्स वापस किए हैं तो हमारे पास जो रिमेनिंग सेल्स बच जाएंगी वो नेट सेल्स बच जाएंगी।
हमजा सईद, जो चीज़ें हम इधर कर रहे हैं ना, वो बुक्स वगैरह जो मैंने बताई हैं, आप वही खरीदें बजाय इसके कि इधर उधर की बुक खरीदना, बाद में मैं कुछ और पढ़ाता जो आप कुछ और, आपको आपके पास डिफरेंट हो तो फिर फायदा नहीं है। जहाँज़ेब, आपका जो क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया कि लेस के इक्वल क्यों किया, इक्वल नहीं किया कहीं पर भी, ठीक है, लेस के इक्वल, वो लेस का मतलब है डिडक्ट कर देना आपने वहां से। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ जुनैरा, हाँ इसमें क्वेश्चन है किसी स्टूडेंट का LT950, इसके नेम नहीं आ रहा, तो आप ये जो दो कॉलम है इनमें डेबिट क्रेडिट कुछ भी नहीं है, डॉलर्स के कॉलम है, जस्ट इंटरनल कॉलम है और एक्सटर्नल कॉलम है। जिस तरह आप हाशिया लगाते होते थे बुक में कॉपी पे, तो उसमें आप लाइंस लगाते थे फिगर्स, ये बस वो आपकी लाइंस हैं, ठीक है, इंटरनल लाइंस है और एक्सटर्नल लाइन है, दो कॉलम है बस, इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं है। शमरेज, जो हमारे पास फाइनेंस कॉस्ट है, वो फाइनेंस कॉस्ट जो है वो हमारे पास क्या चीज है, जो हम बैंक से लोन लेते हैं या किसी भी पर्सन से लोन लेते हैं, जो उस पे इंटरेस्ट पे किया जाता है, दैट इज नोन एज फाइनेंस कॉस्ट। अच्छा, वो जो वकार अली जो सैलरीज है ना, वो आपने ये देख लेना है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उनको सैलरी दे रहे हैं, जैसे आपके हेड ऑफिस में कुछ मैनेजर्स हैं, तो मैनेजर्स को जो सैलरी देंगे वो हेड ऑफिस के लोग हैं, तो वो एडमिन की सैलरीज आ जाएंगी। इसी तरह कोई मार्केटिंग का मैनेजर है, तो वो मार्केटिंग के एरिया में आ जाएगा, एडवर्टीजमेंट के एरिया का बंदा है तो वो वहां उसकी सैलरीज आ जाएंगी, ठीक है। नॉर्मली आपको इस लेवल पे उसने एक ही सैलरीज दी होती है इकट्ठी, ठीक है, लेकिन ये आपको समझाने के लिए था कि यहाँ कौन कौन सी चीजें आएंगी। अच्छा देखें, ये तो हमने एक फॉर्मेट बना लिया ना, अब हम करते हैं जरा इसके ना एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि आपने कैसे कैसे कौन सी चीज कहाँ लिखनी है। पहले हम आज इनकम स्टेटमेंट ही करेंगे, फिर हम नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम लेके जाएंगे कि हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन क्या होगी। अब देखें, जब आपने क्वेश्चन करना है तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पहले आपने रीड करनी है। नॉर्मली ये होता है कि स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूरा रीड कर लेते हैं, फिर जब रिक्वायरमेंट पे आते हैं, रिक्वायरमेंट वो हो सकता है कि दो तीन पॉइंट ही पूछे हों और वो फिर दोबारा उन्हें क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है, तो जब अगर आप ऐसे करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा पेपर में। तो सबसे पहले रिक्वायर्ड में देखें, रिक्वायर्ड में देखें कि आपके पास उन्होंने कहा है कि आप क्या करें, कहता प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2006। हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, अभी हमने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन नहीं बनानी, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे बिजनेस के नेम क्या है। बिजनेस नेम इज सबसे ऊपर देखें 5.1 में, उसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है जिमी बेल हैज जस्ट स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस। अब उसने एक न्यू बिजनेस स्टार्ट किया, इससे पहले उसका बिजनेस एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट डाउन द नेम ऑफ द पर्सन, नेम ऑफ द बिजनेस। अब जो सोल ट्रेडर होता है उसमें जो बिजनेस का नेम होता है, जो ओनर का नेम होता है, वही नॉर्मली होता है। तो आप इसका नेम लिख लें जिमी बेल, देन यू विल राइट डाउन दिस इज इनकम स्टेटमेंट। आपने इसके नीचे लिख लेना कि ये हमारे पास इनकम स्टेटमेंट है फॉर द पीरियड एंडेड, ये पीरियड कब एंड हो रहा है, 31 मार्च 2006, 31 मार्च 2006। अब यहां देखें, जब आप इसकी स्टेटमेंट बनाएंगे तो अब आपने क्या करना है, यहां तक फॉर्मेट आपने पहले बना लिया, फॉर्मेट बनाने के बाद आप क्या करेंगे, अब देखें आपने इसका ये ऊपर वाला फॉर्मेट बना लिया, फिर आप यहाँ पर ना दो वैल्यूज इसकी लिखेंगे कि आपके पास ये इंटरनल कॉलम है या एक्सटर्नल कॉलम है, क्या है। आप यहाँ पर कॉलम बना लें, ये इंटरनल कॉलम आ गया, ये एक्सटर्नल कॉलम आ गया, करेंसी साइंस आपने पुट कर लिए, ठीक
ठीक है, जब आपने करेंसी साइंस बूट कर ली, अब आप क्या करेंगे? अब हम इसमें ये करते हैं कि यहाँ लाइंस लगा लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। दीज आर द टू कॉलम्स, ठीक है। अब इसमें डेबिट क्रेडिट वा कोई कॉलम नहीं है, आपने इसमें ये नहीं समझना कि हम डेबिट या क्रेडिट कर रहे हैं, ये इंटरनल कॉलम है और एक्सटर्नल कॉलम है। अब इसमें क्या करेंगे, आप यहाँ पर फॉर्मेट बना लें। सबसे पहले ये आपने पहले करना है, जब भी आपने क्वेश्चन करना है आपने पहले फॉर्मेट बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सेल्स, सेल्स में से आप लेस कर लेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल्स जो आप करेंगे वो कैसे फॉर्मेट बनता है, उसका फॉर्मेट होता है ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, या ओपनिंग इन्वेंटरी, प्लस आप उसमें कर लेंगे परचेजेस, प्लस उसमें कर लेंगे आप कैरिज इनवर्ड्स, माइनस उसमें कर लेंगे आप रिटर्न आउटवर्ड्स, और माइनस उसमें से कर लेंगे क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। जब आपने ये कर लेना, आपने क्या करना है इसका फॉर्मेट, जब आप क्लोजिंग स्टॉक कर लेंगे उसके बाद आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी कंसीडर एज ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे अदर इनकम्स। जब आपने अदर इनकम लिखना है तो अदर इनकम्स के नीचे आपने दो तीन लाइन छोड़ देनी है ताकि वो जब अदर इनकम आएगी हम पुट कर देंगे। उसके बाद हम इसमें से माइनस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आप इसमें से माइनस करेंगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करने, आपने यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के बाद इसके लिए जगह छोड़ देनी है ताकि हम अगला जितना भी फॉर्मेट होगा जिसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ज्यादा भी हो सकते हैं वो सारे हम पुट कर लें, और उसके बाद हम नेक्स्ट उसमें से इंटरेस्ट फाइनेंस कॉस्ट माइनस कर लें, और उसके बाद हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लें। आपने इतना फॉर्मेट पहले प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब देखें आपने क्या करना है, जब ये फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेंगे, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मेट आप क्या करेंगे, आपने आइटम्स देखते जाना है कि इनिशियली कौन कौन से आइटम्स हैं और उनको टिक करे जाना है। अब देखें ये जो कैपिटल आपको गिवन है ये 1 अप्रैल 2005 का गिवन है, आपका ये पीरियड एंड हो रहा है वो आप देखें, आपके पास उसने बताया कि 31 मार्च 2006 को पीरियड एंड हो रहा है, जो पहली सेकेंड लाइन है फर्स्ट लाइन की एंड पे, पीरियड कब एंड हो रहा है 31 मार्च 2006, और आपको जो कैपिटल पहले गिवन है वो ओपनिंग कैपिटल है। कैपिटल जो होता है इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, ये आपका स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का चीज है। अभी हम इसको एसेट्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल को हम अभी नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ लिखेंगे इनकम और एक्सपेंसेस को यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट में, तो कैपिटल भी नहीं आएगा। फिर ड्राइंग्स हैं, ड्राइंग्स भी आपके पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आती हैं, इसको भी हम नहीं लिखेंगे। प्रिमिसेस आपके पास नॉन करंट एसेट है, इसको भी हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लिखेंगे, इसलिए हम इनकी ट्रीटमेंट नहीं कर रहे। इनको वैल्यूज आप वहां पर लिखते जाएं, यहां से आप इसको टिक करते जाएं, यहां से आप साथ में वैल्यू टिक करते जाएं, साथ में तीन वैल्यूज हमने तीन चीजें बोली हैं, कैपिटल है उसको टिक कर दें, उसकी अमाउंट टिक कर दें, ड्राइंग्स हैं उसकी अमाउंट टिक कर दें, ये इसलिए आप टिक करते जाएं ताकि आप एरर ना करें कि आपने ये चीजें दोबारा आप फिगर गलत फिगर ना पुट करें। सिमिलरली जो फर्नीचर्स एंड फिटिंग्स हैं ये भी आपके नॉन करंट एसेट्स हैं, दीज आर दिस विल कम इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन, आप उसको क्रेडिट कर उसमें देखें डेबिट साइड पे गिवन है, एसेट्स के डेबिट बैलेंसेस होते हैं। अब आप इसको क्या करेंगे, 25,000 को अब आपने इसको भी यहाँ पर टिक कर दिया, लेकिन अभी हम लिखेंगे नहीं बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू प्रिपेयर स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजिशन, वी आर गोइंग टू प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट।
फिर हमारे पास आ जाती है मोटर व्हीकल, दिस इज ऑल्सो नॉन करंट एसेट, इट विल बी रिपोर्टेड इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन, फाइनेंशियल पोजिशन तो ये भी 40,000 की, इसको भी हम रहने देंगे। फिर हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स हमारे पास एसेट्स हैं तो ये भी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन में आ जाएंगे, इनको हम नहीं लिखेंगे। ट्रेड पेबल्स जो हैं वो आपके पास क्या है, ट्रेड पेबल्स आपकी लाइबिलिटीज हैं तो लाइबिलिटीज भी हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन में लिखते हैं, इसको भी टिक कर लें, ये भी हम अभी नहीं लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद कैश एट बैंक है, कैश एट बैंक ये भी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन का आइटम है बिकॉज दिस इज योर करंट एसेट, ठीक है। फिर आपके पास आता है सेल्स, सेल्स को यहाँ टिक कर दें और सेल्स की अमाउंट भी टिक कर दें। ये टिक करने का पर्पस ये है कि अब आप इसको लिख लिया आपने कितनी अमाउंट है आपके पास सेल्स की, सेल्स की अमाउंट है 273,600, ठीक हो गया। अब आपने अमाउंट लिख दी, आपने टिक कर दिया कि हमने अमाउंट लिख दी है, बस इसके अलावा अभी कुछ और नहीं करना आपने। फिर नेक्स्ट है परचेजेस, परचेजेस को टिक करें, परचेजेस की वैल्यू को भी टिक कर लें, कितनी है 144,800। तो परचेजेस जो है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर आ रही है, कॉस्ट ऑफ सेल्स जो एडिंग है इसके अंदर आपने उसको लिखा हुआ, तो परचेजेस के सामने इंटरनल कॉलम में इसकी वैल्यू लिख दें 144,800, ठीक हो गया। इसी तरह रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस, ये एक्सपेंस है, रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस क्या है, एक्सपेंस है 1500 का, तो हम एक्सपेंसेस में जाके इसको लिख लेंगे हमारे पास जो रिपेयर्स के एक्सपेंसेस हैं, रिपेयर्स कितने के रिपेयर्स हैं आप, रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस वो देखें 1500 के हैं, 1500 आप इंटरनल कॉलम में रिपोर्ट कर दें, ये आपके पास आ गया। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं हीटिंग एंड लाइटिंग एक्सपेंसेस, अब ये भी देखें ये भी एक्सपेंसेस हैं तो इनको भी आप एक्सपेंसेस में पुट करेंगे, हीटिंग एंड लाइटिंग, हीटिंग एंड लाइटिंग जो एक्सपेंसेस हैं वो कितने 2500 के, तो 2500 यू विल रिपोर्ट हियर, ठीक है। अब इसको हम इनकम स्टेटमेंट में रिपोर्ट कर रहे हैं, इनकम स्टेटमेंट में हम इंटरनल कॉलम में पहले रिपोर्ट कर रहे हैं इनको। फिर हमारे पास है व्हीकल एक्सपेंसेस, व्हीकल एक्सपेंसेस कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, वो भी उसने दिए हुए हैं। तो नॉर्मली व्हीकल एक्सपेंसेस ये हैं कि आपने गाड़ियां रखी ऑफिस यूज के लिए, उनके एक्सपेंसेस आ गए, ठीक है, तो आप इनको भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर ही लिखेंगे। तो ये कितनी वैल्यू है 2500 हमारे पास हीटिंग लाइटिंग एक्सपेंसेस आ गए थे, जो व्हीकल एक्सपेंसेस हैं वो हैं कितने के 6500 के, तो ये भी आप यहाँ पर लिख दें एक्सपेंसेस में, व्हीकल एक्सपेंसेस 6500, ठीक हो गया। उसके बाद वेजेस एंड सैलरीज हैं, तो वेजेस एंड सैलरीज आपको गिवन है, तो वेजेस एंड सैलरीज ये भी आपके एक्सपेंसेस में आ जाएंगी, वेजेस एंड सैलरीज जो आप एम्प्लॉयज को पे देते हैं वो इधर आ जाएगी, कितनी अमाउंट है 35,600, ये आप लिख लें अमाउंट, ठीक है। उसके बाद आपके मिसलिनियस एक्सपेंसेस, मिसलिनियस एक्सपेंसेस का मतलब है कि बहुत सारे छोटे छोटे एक्सपेंसेस थे जिनको आपने अलग अलग अकाउंट बनाने की बजाय इकट्ठा एक ही अकाउंट बना के उसको मिसलिनियस एक्सपेंस में डाल दिया, तो मिसलिनियस एक्सपेंसेस भी यू विल रिपोर्ट इन एक्सपेंसेस। कितने मिसलिनियस एक्सपेंसेस, वो मिसलिनियस एक्सपेंसेस गिवन है जी 15,600 के, ये आपने लिख लिया। अब देखें आपके ट्रायल बैलेंस के दोनों टोटल्स भी दे दिए उसने, सारी वैल्यूज आपने वन बाय वन क्या करना है, ऊपर से रीड करते आना है, जो जहां की वैल्यू होगी वहां आपने रिपोर्ट कर देनी है, ठीक है, जो वैल्यू नहीं गिवन होंगी उनको आपने जीरो कर देना है। अब ट्रायल बैलेंस के बाद एक वैल्यू इन्वेंट्री की गिवन है, इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च, इन्वेंट्री का मतलब है ये आपका स्टॉक है, किस डेट को है 31 मार्च को, इसलिए यू कैन से दैट दिस इज क्लोजिंग स्टॉक, दिस इज क्लोजिंग स्टॉक,
कितनी वैल्यू है उसकी गिवन 32,600 का। तो क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर एंड पे आता है, ठीक है। कितनी वैल्यू है 32,600 की गुड्स आपके पास अनसोल्ड रहेगी एट द एंड, इसके अलावा आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन। अब आप क्या करेंगे, अब आपने जो इंफॉर्मेशन नहीं गिवन उनको आप खत्म करते जाएंगे, ठीक है, वो जीरो कर देंगे। सेल्स थी, सेल्स रिटर्न इसमें थी नहीं आपकी, ठीक है। आपके पास यहाँ पर क्या है, सेल्स हैं, सेल्स रिटर्न है ही नहीं, तो हम इनको यहाँ पर लिख लेते हैं। सेल्स, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न आपकी नहीं है, आप जीरो कर देंगे। सेल्स आपकी थी यहाँ पर 273,600 की, उसमें से सेल्स रिटर्न जीरो, तो आपकी नेट सेल्स कितनी हो गई, वो 273,600 की हो गई। अब देखें ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू जीरो होगी, क्यों जीरो होगी, अगर आप क्वेश्चन रीड करें तो सबसे पहली जो लाइन गिवन है उसने लिखा हुआ है कि जिमी बेल हैज जस्ट स्टार्टेड अ बिजनेस, उसने अभी बिजनेस स्टार्ट ही किया है, तो इसका मतलब है कि देर विल बी नो ओपनिंग इन्वेंट्री, आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं होगी, क्योंकि इससे पहले तो आपका बिजनेस आप कर ही नहीं रहे थे, तो आपके पास कोई स्टॉक भी पड़ा नहीं होगा, ठीक है, इसलिए ओपनिंग जो स्टॉक हो गया दैट वुड बी जीरो। कैरिज इनवर्ड नहीं गिवन, इसको जीरो कर दें। रिटर्न आउटवर्ड्स भी नहीं गिवन, ये भी जीरो कर दें। अब आप कैलकुलेशन कर लें इसकी, कॉस्ट ऑफ सेल्स की। कॉस्ट ऑफ सेल्स की जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो परचेजेस आपकी 144,800 की हैं। परचेजेस में से आपने परचेजेस सॉरी जो क्लोजिंग स्टॉक है वो माइनस कर देना है, तो आपकी परचेजेस कितने की हैं, 144,800 माइनस उसमें से 32,600 क्लोजिंग स्टॉक करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 112,200। ये जो वैल्यू है ना 112,200, इट इज शोइंग दैट दिस इज योर कॉस्ट ऑफ सेल्स। जो ऊपर आपने सेल की है ना, ये वाली सेल्स रेवेन्यू आए हैं 273,600, इनको जो सेल किया इनकी जो कॉस्ट आई है वो है 112,600, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, आप सेल्स जो है 270,600 की जो नेट सेल्स है उसमें से आपने माइनस कर लेना है। माइनस आपने किसको करना है, माइनस आप करेंगे ये जो वैल्यू आ रही है, कितनी वैल्यू आ रही है हमारे पास 273,600 माइनस उसमें से आ रहा है आपका 112,200, तो आपके पास जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा वो आएगा 161,400। इसका मतलब है सिंपली आपने क्या किया, जो ट्रेड की है ना उससे आपने जो प्रॉफिट अर्न किया है दैट इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट, वो 161,400 का है। अदर इनकम्स है ही कुछ नहीं, जीरो है, क्वेश्चन में है ही गो नहीं, तो आपने अपनी तरफ से कोई अदर इनकम या एक्सपेंस अज्यूम नहीं करना। फिर हम एक्सपेंसेस का टोटल कर लेंगे। एक्सपेंसेस का अगर टोटल करते हैं तो एक्सपेंसेस में आप देखें कि आपके पास एक्सपेंसेस कितने के, 1500 का एक एक्सपेंस है पहला, फिर प्लस आप 2500 का एक्सपेंसेस में एडअप कर देंगे, ये दो एक्सपेंसेस आपके हो गए। फिर थर्ड आप उसमें एक्सपेंस आ रहा है 6500 का, वो भी आप एडअप कर लें, और साथ में आपके पास 35,600 का एक और एक्सपेंस आ रहा है उसको भी आप एडअप कर लें, साथ साथ टिक करते जाएं ताकि आपका एरर ना हो। प्लस 15,600 का आपका एक्सपेंस एक और आ रहा है, तो टोटल एक्सपेंस है 61,700 का। तो 61,700 आपका टोटल एक्सपेंस है, आप ग्रॉस प्रॉफिट में से इसको माइनस कर देंगे एक्सपेंस को, तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट देखें कितना आ रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट आप कैलकुलेट अगर करते हैं तो आपके पास यहाँ पर 161,000 और हमारे पास 400 का ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है, और इसमें से आप अगर माइनस कर लेते हैं यहाँ पर जो एक्सपेंसेस हैं 61,700 के, तो आपके पास प्रॉफिट बचता है 99,700 का। इसके नीचे आपने डबल लाइन लगा देनी है और यहाँ पर आपने लिख देना है नेट प्रॉफिट।
प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट का मतलब है कि आपने जितने भी बिजनेस की कॉस्ट थी वो आपने सारी इसमें से माइनस कर ली है, अब आपके पास नेट प्रॉफिट है। अब देखें, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के बाद हमारे पास यहाँ पर इंटरेस्ट है ही नहीं, ठीक है, तो इंटरेस्ट जीरो होगा तो जो हमारे नेट प्रॉफिट है वो सेम आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इसमें थोड़ी और मॉडिफिकेशन करना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पर ये जो नेट प्रॉफिट लिखा हुआ है इसको आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिख लें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और उसके बाद आप इसमें से माइनस कर दें एक्सपेंस, इंटरेस्ट, फाइनेंस कॉस्ट जिसे कहते हैं, जो फाइनेंस कॉस्ट है वो आपके पास जीरो है, वो गिवन ही नहीं है, वो इसका मतलब है जीरो है, तो आपके पास 99,700 की आपके पास नेट प्रॉफिट बच गया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट, ठीक है। यहां तक इस क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन हो तो वो आप पूछ लें, जो मैंने सॉल्यूशन करवाया। इमरान कोई बात नहीं, आप वो रिकॉर्डिंग है आप फिर वो सुन लीजिएगा अगर आपके इंटरनेट का इशू आ रहा है तो। उस्मान मोहम्मद खान, आप अपने जो आपका सेंटर है जिस इलाके में आप रह रहे हैं उस सेंटर से पूछें, आपको वो बता देंगे कि जो फेस टू फेस क्लासेस हैं व्हेन दे आर गोइंग टू स्टार्ट, ठीक है। अलीशा अलीशा, जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है वो आएगा, आपने क्या करना होता है ग्रॉस प्रॉफिट में, आप जो यहाँ पर ये आपके पास नेट प्रॉफिट सॉरी नेट सेल्स हैं इसमें से ये वाली वैल्यू जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है ये माइनस करेंगे तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। ये कोई इंटरनेट से किसी को क्वेश्चन है, जहां से समझ नहीं आई वहां से आप पूछ लें। अलीशा आप को जहां से अलीशा सदीक आपको जहां से समझ नहीं आई वो पूछ लें। मोहम्मद सादिक, आप अपना इंटर रीज्वाइन करें। अवैस खान, ये इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट है, ठीक है, इनकम स्टेटमेंट आपने ऐसे बनानी है। अली मर्दान हिस्बानी, आपके पास जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा उसको टिक करने की जरूरत नहीं है, वो तो जैसे यहाँ पर हमारे पास 161,400 आ गया तो ये पॉजिटिव वैल्यू है ना, कि आपने सेल की थी 273,600 की, इतने डॉलर आपने अर्न किए सेल करके, और जो गुड्स आपने सेल की वो आपकी उनकी जो कॉस्ट आ रही थी वो 112,200 की थी, तो बाकी आपका प्रॉफिट आ गया, तो प्रॉफिट पॉजिटिव होता है, ठीक है। नेगेटिव फिगर आता तो वो लॉस हो जाता है, जैसे अगर हमारे पास यहाँ फिगर होता कॉस्ट ऑफ सेल्स का 300,000 तो हमारे पास लॉस हो जाता क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल्स ज्यादा हो जाती। सारे मिर्जा, डेटा याद नहीं रखना होगा आपको, फॉर्मेट याद रखना होगा कि फॉर्मेट कैसे बनाना है, जैसे कि सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स लाइस, उसमें से माइनस आप करेंगे जो कॉस्ट ऑफ सेल्स हो, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, ठीक है, उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करनी है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स का फॉर्मेट याद रखना है, वो क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस कैरिज इनवर्ड और प्लस उसमें आपका उसमें से माइनस कर देंगे सेल्स रिटर्न और माइनस क्लोजिंग स्टॉक, आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। अदर इनकम उसमें ऐड हो जाएंगी, अदर इनकम के लिए जगह छोड़ देनी है, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस करना है तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए भी जगह छोड़ देनी है, जो एक्सपेंस होगा वो आप रिपोर्ट करेंगे उसमें। जहां जेब ओपनिंग कॉस्ट नहीं है ओपनिंग स्टॉक है, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक ये होता है कि
आप अगर बिजनेस कर रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल इसने नया बिजनेस स्टार्ट किया है, तो ये फॉर एग्जांपल इसका अगर बिजनेस फर्नीचर का है, सेल परचेज कर रहा है फर्नीचर का, तो पहले पुराना तो कोई बिजनेस का फर्नीचर पड़ा नहीं होना जो इन्होंने सेल करना है, इसका मतलब है कोई स्टॉक नहीं है। न्यू बिजनेस जब भी स्टार्ट होता है तो ओपनिंग स्टॉक कुछ भी नहीं होता। बहादुर शाह, समझ आ गई आपको? हमजा सईद, आपका सिलेबस फाइनल अकाउंट पे एंड नहीं होगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप बनाएं, इसके बाद और टॉपिक्स आने हैं। अभी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत सारी एडजस्टमेंट्स आनी है। अभी तो हमने पढ़ा कि सिंपल फॉर्मेट, सिंपल आपने कैसे प्रिपेयर करना है, तो अभी हम एडजस्टमेंट्स वाले टॉपिक्स पढ़ेंगे, फिर आप दोबारा इसको करेंगे कि अगर आपने एक दफा इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर कर ली, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन प्रिपेयर कर ली, और एट द एंड आपने उसको कैसे करना है, उसमें एडजस्टमेंट्स कैसे करनी है अगर कोई इवेंट हो जाते हैं तो। अवैध खान, अगर ओपनिंग स्टॉक गिवन हो तो जितना ओपनिंग स्टॉक गिवन होगा उसकी वैल्यू आप लिख देंगे, वो परचेजेस में ऐड हो जाएंगी। वकार, मैं चलें रिपीट कर देता हूँ इसको दोबारा, ठीक है? तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन था 5.1, इसमें अभी हमने प्रिपेयर करनी है सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में हमने वन बाय वन फिगर्स पुट करते जाना है। जो फिगर्स हैं एसेट से रिलेटेड, कैपिटल से रिलेटेड और लाइबिलिटीज से रिलेटेड, हम उनको रिपोर्ट नहीं करेंगे, इनकम स्टेटमेंट में नहीं शामिल करेंगे, ठीक है? जो इनकम्स हैं वो शामिल करेंगे, और जो एक्सपेंसेस हैं को परचेजेस वगैरह से रिलेटेड हैं वो हम शामिल करेंगे। पहले सबसे पहले आपने फॉर्मेट बना लेना है, सेल्स लेस सेल्स रिटर्न्स, ठीक है? उसके बाद आपने लेस करना है कॉस्ट ऑफ सेल्स। जो कॉस्ट ऑफ सेल्स हैं वो आपने जब उसमें से माइनस करनी है, उसका फॉर्मेट ये होता है कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस कैरिज इनवर्ड माइनस जो आपकी परचेजेस रिटर्न्स हैं, या रिटर्न आउटवर्ड्स भी उन्हें कहते हैं, और हमारे पास माइनस क्लोजिंग स्टॉक। जो आंसर आएगा उसको हम कॉस्ट ऑफ सेल्स कहते हैं। जैसे यहाँ पर परचेजेस थी 144,800 की, ओपनिंग स्टॉक जीरो है, कैरिज इनवर्ड भी कोई नहीं बताया, उसका मतलब है कि कैरिज इनवर्ड नहीं हुआ, और उसके बाद रिटर्न आउटवर्ड्स भी कोई नहीं है, रिटर्न आउटवर्ड्स भी आपके पास कोई नहीं गिवन कि आपने कोई परचेजेस रिटर्न्स नहीं की, जितनी गुड्स आपको सप्लायर ने भेजी आपने सारी यूज कर ली, रख ली। जो कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगी, यू विल डिडक्ट कॉस्ट ऑफ सेल्स फ्रॉम सेल्स रेवेन्यू, ठीक है? तो सेल्स रेवेन्यू हमारे पास ये ऊपर हमने कैलकुलेट की थी, नेट सेल्स, ठीक है? तो वो थी हमारे पास 273,600 माइनस उसमें से कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। आप ग्रॉस प्रॉफिट में अदर इनकम गिवन हो तो एड अप कर लेनी है, अगर नहीं गिवन हो तो वो जीरो है। उसके बाद जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनका आप इंटरनल कॉलम में लिख लें और उनको टोटल करके एक्सटर्नल कॉलम में ट्रांसफर कर दें। अब एक्सपेंसेस को आप ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस कर दें, आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से आप फाइनेंस कॉस्ट माइनस करें, जो कि हमारे पास इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है, ठीक है? वो माइनस करेंगे, देन यू विल गेट द आंसर नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, ठीक है? यहां तक हमने ये क्वेश्चन किया, ठीक है? अब यहाँ देखें, जो क्वेश्चन है ना आपके पास, क्वेश्चन नंबर 5.2, ठीक है? ये आपकी असाइनमेंट है, ये आपने करना है खुद, ये आपने मुझे करके सेंड कर देना है मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है? ठीक, अब देखें, अगर हम अगला एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5.3 है। 5.3 में अगर देखें तो हम इसमें भी वो कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट, ठीक है? इनकम स्टेटमेंट जो प्रिपेयर करनी है वो देखें। हाँ जी, फॉर्मेट सेम होगा एलिशा, जो फॉर्मेट होगा हर क्वेश्चन में वो सेम होगा, फॉर्मेट चेंज नहीं होगा, ठीक है? वो सेम रहेगा।
जैसे ये जो क्वेश्चन है इसमें देखें, क्वेश्चन नंबर 5.3 में, 5.3 में जो क्वेश्चन है उसमें उसने कहा है कि आपके पास जो रिक्वायरमेंट है, लुक एट द रिक्वायरमेंट ए, प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2006. तो अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट डाउन द नेम ऑफ द बिजनेस एट द टॉप. हु इज द ओनर? जॉन बेरी. यू विल राइट डाउन द नेम जॉन बेरी. हियर यू विल राइट डाउन दैट यू आर गोइंग टू प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट. फॉर द पीरियड एंडेड 31 मार्च 2006. ठीक है, इसके दो कॉलम आप बना लें, इंटरनल कॉलम और एक्सटर्नल कॉलम. ठीक है, अब ये जो कॉलम्स हैं इनमें आप, हमारे पास ये दो कॉलम्स हैं, आप सबसे पहले इसका फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे. ठीक है, सेल्स लेस सेल्स रिटर्न्स, देन यू विल डिडक्ट फ्रॉम दिस कॉस्ट ऑफ सेल्स. कॉस्ट ऑफ सेल्स का क्या, हमारे पास फॉर्मेट है ओपनिंग स्टॉक है, ओ एस स्टैंड फॉर ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, जो आपने परचेज किए हैं गुड्स ड्यूरिंग द ईयर, प्लस कैरेज इनवर्ड्स. कैरेज इनवर्ड जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो आप इसमें ऐड अप कर देंगे. लेस रिटर्न आउटवर्ड्स, रिटर्न आउटवर्ड्स जो है ये आपकी परचेजेस रिटर्न्स हैं. एंड लेस क्लोजिंग स्टॉक, जो आपका आंसर आएगा वो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी. देन कॉस्ट ऑफ सेल्स को आप डिडक्ट करेंगे नेट सेल्स में से, आपका जो प्रॉफिट आएगा या लॉस आ जाएगा. ठीक है, तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आएगा आंसर, या देर विल बी ग्रॉस लॉस. अगर तो नेगेटिव आंसर आ गया है ना, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस की तो आपका नेगेटिव आंसर आ गया, इसका मतलब है आपको लॉस हो गया है. ठीक है, इसमें अब आप क्या करेंगे, आपने इसमें ऐड अप कर देना है. ऐड अप आपने क्या करना है, यू विल ऐड अप हियर अदर इनकम. आपने अदर इनकम बस लिख के छोड़ देना, उसमें दो तीन लाइंस छोड़ देनी है. अदर कोई इनकम होगी तो वो हम लिख देंगे इसमें. इसमें से लेस आपने क्या करना है, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. ये फॉर्मेट बना के आपने यहां तक इसके क्वेश्चन अब सॉल्व करना शुरू कर देना. आपने एसेट्स लाइबिलिटीज और कैपिटल उनको इसमें रिपोर्ट नहीं करना. अब आप उनको वैल्यूज आप उनकी उसमें से काट देंगे कि इन वैल्यूज का हमने रिपोर्ट करना है. देखें, जैसे यहाँ उसने कहा ट्रायल बैलेंस द फॉलोइंग, जॉन बेरी रन द स्मॉल बिजनेस, द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस वॉज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हिज बुक्स एट 31 मार्च 2006. ये रिपोर्टिंग डेट है, अकाउंटिंग पीरियड एंड हो रहा है यहाँ पर. कैपिटल गिवन है 1 अप्रैल 2005 का, मतलब के लास्ट ईयर के स्टार्ट का ओपनिंग कैपिटल है. आप ये यहाँ नहीं लिखेंगे, इसको काट दें, क्योंकि ये कैपिटल है, ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन में रिपोर्ट होता है. सिमिलरली ड्रॉइंग्स है, यहाँ टिक करते जाए, यहाँ से इसकी वैल्यू काट दें, बिकॉज दिस विल बी रिपोर्टेड इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन. मशीनरी नॉन करंट एसेट है, ये भी आप रिपोर्ट नहीं करेंगे, यू विल रिपोर्ट दिस इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन. व्हीकल्स हैं, मोटर व्हीकल्स को भी आपने यहाँ से डिडक्ट कर दिया. उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स आपके पास क्या है, ये आपके करंट एसेट्स हैं. देन ट्रेड पेबल्स हैं, ट्रेड पेबल्स करंट लाइबिलिटीज हैं, दीज विल बी रिपोर्टेड इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन, इसलिए इनकम स्टेटमेंट में आप इनको नहीं लिखेंगे, तो वैल्यूज ही आपने काट देनी है. कैश इन हैंड, दिस इज करंट एसेट, इट विल बी रिपोर्टेड इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन. कैश इन हैंड, दिस इज करंट
करंट एसेट एंड विल बी रिपोर्टेड इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन, देन परचेजेज, परचेजेज रिपोर्ट करेंगे और परचेजेज की वैल्यू है 144,300, ये हमारे पास 144,300 वैल्यू आ गई, हम यहाँ पर इसकी वैल्यू रिपोर्ट कर देंगे 144,000, राइट डाउन दिस इन फ्रंट ऑफ परचेजेस, ठीक हो गया। उसके बाद आपकी सेल्स हैं, आपने इसको टिक कर लिया, सेल्स हम रिपोर्ट करते हैं इनकम स्टेटमेंट में, ठीक है। तो सेल्स रिटर्न्स हैं उसमें से माइनस हो जाती हैं, सेल्स आपकी कितनी आ गई हैं 278,500, इसको टिक कर लें और यहाँ पर लिख लें इंटरनल कॉलम में सेल्स की वैल्यू। उसके बाद आपके पास इन्वेंट्री गिवन है, आप देखें ये जो इन्वेंट्री गिवन है ये आपके पास ओपनिंग स्टॉक गिवन है, दिस इज योर ओपनिंग स्टॉक, दिस इज योर ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि डेट आप देखें क्या है, आपकी जो रिपोर्ट हो रही है रिपोर्टिंग डेट है वो 31 मार्च 2006 है, ऊपर जो हमने यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट में ऊपर भी लिखी हुई है, और जो क्वेश्चन है 5.3 उसमें फर्स्ट जो लाइन है उसके एंड पे डेट देखें, जो ट्रायल बैलेंस गिवन है उसके ऊपर उसमें डेट गिवन है। तो हमारे पास ये पिछले साल लास्ट ईयर में 1 अप्रैल को जब हमारा ईयर स्टार्ट हुआ था उस टाइम हमारे अकाउंटिंग पीरियड, उस टाइम हमारे पास ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ था 35,200 का, तो 35,200 यहाँ पर हम लिख देंगे ओपनिंग स्टॉक में, ठीक है। वही का रनिंग कॉस्ट है 6,400 की, इसको हम यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में लिख देंगे, व्हीकल रनिंग कॉस्ट। कितनी कॉस्ट है 6,400 की, वी विल राइट डाउन हियर, ठीक है। और ऊपर से आपने वहां पर टिक भी कर देना है कि ये हमने रिपोर्ट कर दी है। फिर हमारे पास आती हैं सैलरीज एंड वेजेस 24,600 की, 24,600 हम यहाँ पर रिपोर्ट कर देंगे इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंसेस में, और यहाँ पर हम लिख देंगे दीज आर वेजेस एंड सैलरीज, ठीक है। फिर हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आते हैं, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे पास ये भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आ जाएंगे, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है वो हमारे पास है 11,300 के, यू विल रिपोर्ट दिस ईयर, और आपने वहां पर टिक कर देना है, यहाँ पर लिख देना है। फिर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन के जो बिल हैं 1,9800 के, वो आप यहाँ पर रिपोर्ट कर देंगे इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंसेस में, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल वो आपके यहाँ पर आ जाएंगे इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंसेस में। फिर रेंट एंड इंश्योरेंस है, रेंट एंड इंश्योरेंस भी आपका एक्सपेंस है, इसको भी आप यहां पर लिख देंगे रेंट एंड इंश्योरेंस, ये आपका एक्सपेंस कितना है 12,200 का। आपके पास इसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन नीचे गिवन है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में उसने कहा इन्वेंट्री है आपकी 31 मार्च को, ये आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री है, ठीक है। ये क्या आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री या क्लोजिंग स्टॉक है, उसकी वैल्यू है 32,500 की, तो आपका क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर ऊपर कॉस्ट ऑफ सेल्स में आ जाता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स में इसकी वैल्यू गिवन है दैट इज 32,500, अब आप यहाँ पर उसको लिख देंगे। अब आपने क्या करना है, अब आपने बाकी इन्फॉर्मेशन कोई भी नहीं गिवन, अब आप इसको वन बाय वन क्लोज करते जाएंगे। अब देखें सबसे पहले आप ऊपर से स्टार्ट करें सेल्स से, सेल्स में से सेल्स रिटर्न्स जीरो गिवन है, तो आपकी सेल्स रिटर्न नेट सेल्स भी 278,500 की रहेंगी, उनको आप एक्सटर्नल कॉलम में ट्रांसफर कर दें। जो कॉस्ट ऑफ सेल्स के नीचे ओपनिंग स्टॉक गिवन था वो हमने लिख दिया, परचेजेस में ऐड होगी, कैरिज इनवर्ड जीरो है और रिटर्न्स भी जीरो है, गिवन नहीं है क्वेश्चन में, और आपके पास इसमें क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 32,500 का, आप उसमें से माइनस कर देंगे 35,200 प्लस इसमें 144,500 ऐड अप कर देंगे और उसमें से 32,500 माइनस करेंगे, तो आपके पास कितना आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स 147,200। जो आपने ऊपर गुड्स सेल किए हैं
278,500 की उनकी जो कॉस्ट है वो आ रही है 147,200। तो अब आपका आप इसमें से 278,500 में से आप माइनस कर लेंगे कॉस्ट ऑफ सेल, इसमें से इसको माइनस कर देना, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आ रहा है 131,300 का प्रॉफिट आ रहा है, पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, अदर इनकम है ही नहीं है, जीरो है। आपके एक्सपेंसेस सारे गिवन है, आप एक्सपेंसेस का टोटल कर लें। एक्सपेंसेस कितने हैं, 6400 प्लस आप उसमें ऐड अप कर दें, ये 6400 हो गया प्लस 24,600 उसमें ऐड अप कर दें। उसके बाद आप 11,300 है वो ऐड अप कर दें उसमें, तो आपके पास उसके बाद 9800 का आपका एक्सपेंस है, 9800 वो भी ऐड अप कर दें और 12,200 का आपके पास एक्सपेंस है वो भी ऐड कर दें। टोटल एक्सपेंसेस आपके बन जाते हैं 64,300। ठीक है, अब आप अब जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसमें से आप अदर इनकम उसमें ऐड कर देंगे और आप कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे तो आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आ रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और लॉस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपके 131,300 जो ग्रॉस प्रॉफिट था उसमें से आपने एक्सपेंसेस सारे माइनस कर लिए तो ये आपके पास आ गया 67,000 का। अब इसमें से आप लेस करेंगे जो फाइनेंस कॉस्ट है, वो आपके पास फाइनेंस कॉस्ट है ही जीरो, कोई क्वेश्चन में नहीं गिवन, इसका मतलब है 67,000 आपका क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, अब यहां देखें, यहां तक कोई क्वेश्चन हो इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड जो हमने क्वेश्चन किए हैं वो आप पूछ लें। हाफिज मोहम्मद रिजवान, जो पुराने लेक्चर्स हैं वो आप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे देखें तो वो आपके पास आपको वहां से मिल जाएंगे। आपको मैं क्वेश्चन ये उसमें अपलोड कर देता हूँ जो गूगल क्लास रूम है, ये क्लास खत्म होने के बाद ही फौरन, तो आप वहां से डाउनलोड कर लेना ताकि आपके पास ये सोल्यूशन भी आ जाए, आप इनके मुताबिक कर लें। जन्नत सलीम, हाँ जी, सेल्स रिटर्न्स को जो ट्रायल बैलेंस होता है उसमें डेबिट साइड पे लिखते हैं, बिकॉज सेल्स आपकी क्रेडिट हो रही होती हैं तो सेल्स रिटर्न आपके डेबिट बैलेंस होता है। उसके बाद थैंक यू वेरी मच सर। क्लोजिंग स्टॉक पर कैलकुलेशन गलत है, क्लोजिंग स्टॉक की जहां जेब आप कैलकुलेशन तो की नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक सिर्फ माइनस करना होता है हमने। ठीक है, कहां से गलत है, किस क्वेश्चन में गलत है वो बता दें, वो मैं आपको दोबारा समझा देता हूं। अलीशा, फॉर्मेट सेम रहेगा, फॉर्मेट चेंज नहीं होगा, तमाम क्वेश्चंस में सेम रहेगा। और सारे में जो ओपनिंग स्टॉक होता है, ओपनिंग स्टॉक का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल आपने ये नया साल है आपने स्टार्ट किया है, तो पिछले साल आपके पास फॉर एग्जांपल आप रिटेल का बिजनेस कर रहे हैं तो आपके पास शुगर के बैग्स पड़े हुए हैं, राइस पड़े हुए हैं, बाकी और चीजें पड़ी हुई हैं, तो जब आपका नया साल स्टार्ट होगा तो वो पिछले साल जो आपके पास बजट है स्टॉक वो क्लोजिंग होता है, वो इस साल ओपनिंग स्टॉक होगा फर्स्ट डे को। सिमिलरली आपके इस साल जब एंड हुआ तो इस साल के एंड पे आपके पास जितना अनसोल्ड स्टॉक होगा दैट वुड बी कंसीडर एज क्लोजिंग स्टॉक, दैट वुड बी ओपनिंग स्टॉक ऑफ द फॉलोइंग ईयर, अगले साल का ओपनिंग स्टॉक होगा। अवैस खान, आप मुझे ईमेल कर दें, मैं आपको कर देता हूं, अगर तो आपने ईमेल की हुई है तो मैंने आपको ऐड कर दिया होना है, मैं दोबारा चेक कर लेता हूं।
हाँ ऐसा ही है कि लेस का मतलब होता है माइनस करना, ठीक है। और जो ब्रैकेट्स लगी होती है ना अकाउंटिंग में, जो ब्रैकेट्स होती हैं वो भी माइनस के लिए ही यूज होती हैं। शमरेज कैलकुलेशंस चलें आप करेक्ट कर लें, वो कैलकुलेशंस मैंने की थी और जल्दी जल्दी में, शायद उसमें कोई एरर हो गया हो, किस क्वेश्चन में गलत है वो मुझे बता दें। ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस की वैल्यू गलत है। ओपनिंग स्टॉक आप देखें, ओपनिंग स्टॉक हमारे पास जो वैल्यू गिवन है ना क्वेश्चन में वो 35,200 है, ठीक है। और जो परचेजेस हैं, परचेजेस की जो वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 144,300 है। 5.3 हम कर रहे हैं, ठीक है जहाँ से वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 5.3, आप कोई दूसरा क्वेश्चन देख रहे हो ने, ठीक है। इसमें वैल्यूज सेम है, यही वैल्यूज हैं, ठीक है। इसको समझ लें कॉस्ट ऑफ सेल्स को, कि ओपनिंग स्टॉक हमारे पास 35,200 का था जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। प्लस उसमें हमने 144,300 की और गुड्स परचेज कर ली, तो टोटल हमारे पास ये जो वैल्यू आ जाती है वो हमारे पास आ जाती है 144,000, 35,200 प्लस परचेजेस 144,300 की, ठीक है। तो टोटल 179,500 की अवेलेबल गुड्स हो जाती हैं कि जिनको आप सेल कर सकते हैं, लेकिन उसमें से कुछ गुड्स सेल नहीं हुई, वो थी 32,500 की, वो क्वेश्चन के एंड पे गिवन है 32,500, वो माइनस कर लेंगे तो आपके पास जो वैल्यूज निकल आएंगी वो निकलेंगी, वो आपके पास जो वैल्यूज निकल आएंगी वो वैल्यू निकलेगी 147,000, ठीक है। हाँ इसमें कैलकुलेशन लिखने में थोड़ा मसला हुआ है, ये आपके पास 147,000, ठीक हो गया, थैंक यू। अब इसको आप ठीक है, और हम इसको माइनस कर लेंगे, ऊपर जो वैल्यूज हमारे पास 278,500 की जो वैल्यू गिवन है हमारे पास नेट सेल्स, उसमें से माइनस करेंगे तो ये 131,500 हो जाएगी। ओके वेरी गुड, इसका मतलब है आप साथ साथ कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं, ठीक है बहुत अच्छे। माइनस इसमें से हम 64,300 माइनस कर लेंगे तो हमारे पास 67,200 का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको मैं अपलोड कर देता हूँ अभी क्लास में, गूगल क्लासरूम में, ठीक है, तो आपको ये मिल जाएगा सारा जो सॉल्व हुआ हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों की असाइनमेंट जो है ना वो दो क्वेश्चंस हैं, ये भी आपकी असाइनमेंट है 5.4 और 5.2, दीज आर योर असाइनमेंट्स, ठीक है। आपने कर लेना है और कोई मसला हुआ तो मुझसे पूछ लेना व्हाट्सएप पे, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। भाई जब बीबी